हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरे घर से, और फिलहाल देखो मेरा रास्ता वास्ता कर लिया एंड आज अब चलो चलते हैं फिलहाल गोरखपुर, जैसे कि मेरा आधार कार्ड सही करा रहा है और घूमने के लिए। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, सारा चीज़ करेंगे। आज समझ लो छुट्टी है, संडे, यानी कि आज संडे समझ लो, समझ रहे हो, आज मज़ा आएगा। तो चलो चलते, आज भाई सीध भी गिरी हुई है, ठंड भी लगेगी एंड चलो चलते हैं फिलहाल, भागते हैं साहिल का बाइक, उसके बाद मिलते हैं। देखो फाइनली निकल चुके हैं घर से एंड आज चलो चलते हैं फिलहाल, स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग यहाँ से एंड तकरीबन 10 किलोमीटर आगे स्टार्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि घर से मेरा भाई बोला है सुबह जल्दी निकलो और जल्दी आओ। तो चलो चलते हैं, जो होगा सारा चीज़ दिखाएंगे, तो बने रहो, मज़ा आएगा, चिल करो। तो चलो चलते हैं। भाई देखो अभी हुई है ट्रैफिक एंड फिलहाल 29, 27, 26, ये देखो 25, 24, अभी इतने सेकेंड रुकना है, वेट एंड वॉच, समझ रहे हो। ये देखो तो मिलते हैं पहुंचने के बाद। भाई पहुंच गया आधार कार्ड सेंटर, ये देखो भीड़। अब चलो चलते हैं, लाइन लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखो आधार कार्ड की महामारी, देख रहे हो, देखो फाइल जमा करके एंड ये रहा मैं, और ये महामारी देख रहे हो। तो भाई देखो फाइनली 2 घंटे के रेंगते, मतलब 2 घंटे समय देने के बाद मेरा आधार कार्ड अपडेट वापस से हो गया, समझ रहे हो। तो अब चलो चलते हैं, फिलहाल टाइम तो है नहीं, घर चलते हैं एंड घूमते हैं, जो भी होगा मतलब घूमते चलेंगे तो दिखाएंगे, ठीक है। एंड पहले चलते हैं कुछ खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि भूख भी लगी है और 2 घंटे से पकाओ, एकदम पकाऊ वाला सिस्टम था, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग जो भी होगा मतलब पकाऊ वाला सिस्टम था। तो आओ, मेरी बाइक चोरी हो गई, नहीं है। तो भाई देखो सेहत को आई डोंट केयर बोल के मैंने खाए दही बल्ले, खान तो पड़ेगा क्योंकि भूख लगी है। तो भाई देखो खा के मैं निकल गया एंड यहाँ से काफी रोमांचक व्यू आ रहा था, तो देखो यार देखना तो बनता ही है। तो भाई यार चलो चलते हैं फिलहाल घर, क्योंकि मेरा भाई का फोन आ गया, तो चलो चलते हैं। तेरे सारे रंग ओढ़ के, रंग ओढ़ के, तेरा हुआ मैं सब छोड़ के। तो भाई देखो फाइनली मैं घर आ चुका एंड आज मेरा पूरा शटरिंग का काम हो गया, आज सरिया बिछेगा। तो फिलहाल आए हैं घर, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई देखो मेरे खाने में बना था दल पिटवा एंड दल पिटवा में खाता नहीं हूँ, और ये देखो मैं बनवा रहा हूँ चिल्ला, जो कि ताकत बहुत देता तुम्हारे अंदर, एनर्जी कूट कूट के भरता, जैसे कि इसमें मिला हुआ है बेसन, सोयाबीन एंड हरी सब्जियाँ, समझ रहे हो। तो विदाउट मतलब कम तेल है, एक चम्मच तेल में बन जाता है। तो आओ खाते, उसके बाद मिलते हैं। भाई देखो नाश्ता पानी कर लिया, मतलब जो भी करना था, अब बज रहे हैं 4:30 एंड लेट हो गया आधा घंटा। तो फिलहाल चलो चलते हैं जिम एंड ऊपर सरिया तो पड़ी रहा है, जिम आते वक्त जब जिम कर लेंगे उसके बाद देख लेंगे काम कहाँ तक हुआ है, समझ रहे हो। तो पहले करते हैं जिम, उसके बाद मिलते हैं। देखो जिम कम्प्लीट एंड ये रहा मेरा गौरव जिम पार्टनर एंड चलो चलते हैं फिलहाल घर एंड देखते हैं घर का काम कंस्ट्रक्शन कहाँ तक फाइनल हुआ है, समझ रहे हो। तो भाई देखो जिम से घर आ चुके हैं एंड काम अभी भी चल रहा है, आओ चलो चलते हैं देखते हैं काम कहाँ तक हुआ है। तो भाई देखो अभी भी काम चल रहा है एंड सरिया का काम चल रहा है, समझ रहे हो। तो अभी भी काम चल रहा है, फिलहाल मुझे पापा ने कहा कि चलो भाई जाओ तो मेरा ऑटो लेकर आओ, तो चलो चलते हैं, पापा का कहना करते हैं एंड ऑटो चलाते हैं, समझ रहे हो, मतलब वो घर से इस घर लाना है। तो आओ चलो देखो कैसे क्या करता हूँ। देखो रास्ते में मिला फरुआ डांस, फरुआ डांस को आई डोंट केयर बोल के हम चलते हैं पिताजी का काम करने, समझ रहे हो। तो वो रहा मेरा ऑटो, आओ ऑटो का सैर कराते हैं। भाई देखो ऑटो में बैठ चुके हैं एंड ये देखो स्टार्ट में कर रहा हूँ, ये देखो स्टार्ट हो गया एंड लेक चलते हैं, ये आगे बेटा। देखो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, समझ रहे हो। तो मिलते हैं ऑटो खड़ा करने के बाद।
भाई देखो ऑटो फाइनली खड़ा कर चुके हैं एंड ये रहा ये एक मिनट ये रहा ये अबे हैंड ब्रेक तो लगा हुआ है। चलो ठीक है तो अब चलो चलते हैं, मिलते हैं घर। भाई देखो गाड़ी खड़ी हो गई एंड अब चलो चलते खाते खाना, मिलते हैं खाने के वक्त। तो भाई देखो ये रहा मेरा आज का खाना, रहन दे यार माँ। चलो भाई खा लेते हैं आलू गोभी की सब्जी, रोटी और चावल, तो मिलते हैं खाने के बाद। फिलहाल तो मैं स्टार्ट ही कर ही चुका हूँ, दो तीन रोटी खा ली है, समझ रहे हो। भाई देखो खाना वाना खा लिया एंड सरिया का काम लगभग हो ही गया है और देखते हैं कहाँ तक वो पूरा काम हो गया, समझ रहे हो। या देखो पूरा काम कंप्लीट सरिया का एंड सीढ़ी का भी, देख रहे हो। ठंड तो लग रही है भाई। एंड एक बात बताना भूल गया कि तो ब्लॉग आज का यहीं तक रहेगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ सर लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड एक चीज़ और बतानी थी कि वहाँ पर गया तो कैमरा अलाउड नहीं था, मतलब ये जो कैमरा में वो आधार कार्ड के अंदर वो, तो मुझे गार्ड वाले ने रोक लिया कि भाई वीडियो डिलीट करो। और उसे क्या पता है मैं रिसेंटली से दोबारा मंगा लूँगा, तो वहाँ डिलीट करवाया। फिर उसके बाद कैमरा का बैकअप लेना था उन्हें, जैसे उनको पता नहीं था कि मैं कैमरा हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग मतलब कोर्स किया चुका हूँ, इंजीनियर नहीं कहूँगा, उतना बड़ा नहीं हूँ जितना आप लोग समझ रहे हो। तो कैमरा का बैकअप लेना था, ठीक है। तो आईटी पर गए ये लोग, मतलब फ़ोन कर रहे थे, बुला रहे थे, तो हम कहें क्या करना है मैम, कहें कैमरा का बैकअप लेना है, आप ले लेते। हम कहें ठीक है मैं ले लूँगा। भाई 5 घंटे का काम मैंने 2 घंटे में अपना काम कराया हूँ, समझ रहे हो। लाइन में मतलब 1.5 घंटे लग गए एंड अंदर जो भी समय लगा 20-25 मिनट लगा मेरा काम कराने में, समझ रहे हो। केवल मेरा अगर नॉलेज नहीं होता तो 5 घंटा 5 बजे मैं आता शाम को घर। तो भाई नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, कब किस जगह काम आ जाए किसी को नहीं पता। तो कैमरा का बैकअप उनको निकाल के दे दिया उन्होंने, मेरा काम फट यूं हो गया भाई यूं। तो मिलते हैं कल, ठीक है। तो टैलेंट बहुत ज़रूरी है, हाँ कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर ज़रूरी बहुत चीज़ है, कुछ ना कुछ ज़रूरी है, कुछ ना कुछ स्किल सीखो। तो मिलते हैं कल।